तो जो एग्जिट हो जाएंगे बेटा फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलो, आई विल वेट। ठीक है। हाँ सर, चलो जो भी होगा ज्वाइन कर लो दोबारा, सो आई विल एक्सेप्ट दैट। चलो एनीवेज, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? आई थिंक ऑटो ज्वाइन होने ऑन हो गया होगा हम बच्चे। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, 12th में आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबसे पहले इसी से सामना हुआ था। अब आपको लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब तो आई थिंक सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक वर्ड से आया है। अब यस इसमें ज्यादा सर, टाइम नहीं वेस्ट करना है बेटा, ये सब आप जानते हो। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स? रेस्ट रेस्ट हम जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या बताता है, फोर्सेस और उनका इफेक्ट बताता है। हाँ सर, फोर्स और इफेक्ट बताता है। तो हमने मैकेनिक्स को दो पार्ट में तोड़ा बेटा, द फर्स्ट पार्ट वाज स्टैटिक्स एंड द सेकेंड पार्ट वाज डायनामिक्स। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, आपने फ्रिक्शन तक कुछ पढ़ा था 11th में, और आई थिंक अभी भी पढ़ रहे हो आप। तो जहां तक आप फ्रिक्शन पढ़ोगे दैट इज स्टैटिक, फ्रिक्शन तक हम मानते हैं स्टैटिक है। उसके बाद आता है रोटेशनल बॉडी डायनामिक्स, ये पूरा डायनामिक का पार्ट है, ठीक है? फिर से बता देता हूं बेटा, हालांकि कई लोगों का मिस हो गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, यहां से एक वर्ड आता है चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है। और स्टैटिक्स मतलब चार्ज को रोकना। इतना कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है, इतना कुछ पढ़ने के बाद मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू होल्ड अ चार्ज? इज इट पॉसिबल टू होल्ड अ चार्ज? क्या आप चार्ज को रोक सकते हो बेटा, मेरा पहला सवाल आपसे। सर वी कैन, वी कैन और वी कैन ट्राई एज ए इंजीनियर, यही कर सकते हैं हम लोग। पर इलेक्ट्रॉन का मोशन रोक सकते हो क्या? सोच के देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल। इलेक्ट्रॉन का नो मोशन तो सर, डिपेंड करता है ना कि नो हम उसको सर, कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मूव करेगा किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। बेटा सर्कुलर मोशन ही होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का, कोई और मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? चलो चलो एनीवेज, देखते हैं बेटा, हम इस चैप्टर में थ्रू आउट यही सीख रहे होंगे, क्या ये पॉसिबल है कि किसी चार्ज को हम रोक पाए? इज इट पॉसिबल टू होल्ड अ चार्ज? बट बिफोर दैट, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू द सेम थिंग, दैट इज अबाउट न्यूटन। आप लोगों को क्या लगता है बेटा कि न्यूटन ने पूरी मैकेनिक्स दे डाली, राइट? बट वाई ही हैव नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग? व्हाट इज द रीजन बेटा, न्यूटन ने इसमें कुछ क्यों नहीं किया था? इलेक्ट्रोस्टैट्स के फील्ड में कुछ क्यों नहीं कर पाया? सोचो, व्हाट कैन बी द रीजन? सर वो जी में डायरेक्ट आएगा क्या वो टॉपिक, कैन बी द रीजन? नहीं बेटा, बट सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर वो टॉपिक किसी चैप्टर से रिलेटेड है या फिर किसी से, आई थिंक मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, बट इसलिए क्योंकि वो इस पे फाइंड आउट करते करते कुछ उनकी डेथ हो गई थी लास्ट में। नहीं नहीं बेटा, बेटा लंबा जिया था यार, मैग्नेट पहन के आ गया था। चलो कोई नहीं, एक बच्ची ने ट्राई किया, वेरी गुड। और कोई? अरे मारो मत यार तुम लोग, वो कम से कम ट्राई तो कर रही हो बच्ची, बाकी तुम लोग। चलो देखो बेटा, न्यूटन ने मैकेनिक्स में आप लोगों को परेशान किया, हाँ या ना? जल्दी जनता गण बताए। यस सर, जनता गण, क्या आपको इसने हीट और थर्मोडायनेमिक्स में भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोल के आया? ठीक है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स में शॉर्ट में लिखता हूँ, ना टाइम नहीं है। साउंड में भी आपको परेशान करने आ गया था न्यूटन एक्सपेरिमेंट, हाँ सर, गलत सही कुछ कुछ तो परेशान किया था सर। ऑप्टिक्स, अरे सर मत पूछो, यस सर, इधर तो तबाही मचा दिया था ये, कर्वेचर से कभी यहां कभी वहां, ये पॉइंट वो पॉइंट। बट व्हाई नॉट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी? नाउ द सिंपल सा एक आपके मन में आंसर आ रहा होगा कि सपोज, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उसके या एडवांसमेंट नहीं थी, राइट? ठीक है, मेरे को भी यही आया था बेटा दिमाग में डाउट फर्स्ट बार। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि देखो बेटा, हमने ये सीखा कि दुनिया में आप कोई भी चीज देख लो, क्या हो गया बेटा, सपोज कोई बॉडीज को आपने देखा, बॉडी मतलब लाश नहीं होता है बेटा, बॉडीज का सिंपल मतलब होता है हर ऑब्जर्वेटरी चीज जिस पे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, राइट? अब बॉडी दो ही स्टेट में हमको दिखाई देती है सर। बॉडी मतलब, बॉडी मतलब कुछ नहीं बेटा, अगर मैं इस बॉटल पे पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए ये बॉटल जो है मेरी बॉडी है,
मेरी बॉडी मतलब आत्म शरीर नहीं, इसका आत्मा नहीं, इसका मतलब है बेटा जिस भी चीज पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो दैट इज बॉडी, राइट? ओके, तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। अब या तो बॉडी एक्साइटेड स्टेट में रहती है, ठीक है, या तो बॉडी एक्साइटेड स्टेट में रहती है या तो बॉडी रहती है रेस्ट। अब सर एक्साइटेड स्टेट रेस्ट, सर ये तो केमिस्ट्री जैसा कुछ लग रहा है। बेटा लव केमिस्ट्री में रहा है वो फिजिक्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल से समझाता हूँ। आप लोग दिल्ली में रहते हो, मेट्रो देखा है, मेट्रो आई थिंक सबने। यस सर, यस सर। मेरा मन कर गया घूमने जाने का, एक ही जगह है दिल्ली वालों का जहाँ पे ऑब्सेशन है, उसका नाम है सीपी। सबको ऑब्सेशन है सीपी जाने में, हम भी चले गए सीपी। हुआ क्या, हम मेट्रो में जा रहे थे, ठीक है, हम ये डिब्बा में खड़ा होके मस्त गए दरवाजे के पास, मंडी हाउस के बाद तो सब दिखा नहीं, काला काला दिख रहा था चारों तरफ, बट ठीक है हम खुश थे, हम मेट्रो में चढ़े, 10,000 करोड़ का बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 100-200 करोड़ का तो हो गई। चलो आते वक्त क्या हुआ बेटा, जब मैं आ रहा था तो दो लोग लड़ रहे थे, ठीक है, और भाई साहब लड़ाई देखने का अपना मजा है, पता ही नहीं चला अक्षरधाम पार हो गया लड़ाई देखते देखते। तो मैंने क्या देखा, जब मैं आ रहा था ना बेटा तो सब कोई नॉर्मल या रेस्ट के स्टेट में था, ठीक है, जब मैं आ रहा था तो सब कोई रेस्ट के स्टेट में था, लेकिन जब मैं जा रहा था तो लड़ाई हो रहा था। लड़ाई होने का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ये बात आपको याद रही है? Yes, sir. एक क्वेश्चन भी हम इस पे करेंगे, डोंट वरी। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं आपसे बात करूं रेस्ट पे, तो रेस्ट पे चीजें कैसी थी बेटा, क्या न्यूट्रल बोल सकता हूँ, सही वर्ड होगा न्यूट्रल बोलना इनको? मैं बोलता हूँ न्यूट्रल जैसी कुछ चीज होगी बॉडी में। एक्साइटेड स्टेट में मैं बोलूंगा प्लस या माइनस, दो ही चीजें। अब प्लस मतलब आपको समझना है तो मेल समझ लो, माइनस मतलब फीमेल समझ लो, माइनस मतलब मेल समझ लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में जो चार्जेस होंगे कौन कौन से चार्जेस होंगे बेटा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है, याद रहेगा ये? यस सर। अब ये मैंने क्यों बताया, सो थोड़ा सा और आपको मैं समझाना चाहूंगा इस पे कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट चार्ज को रेस्ट पे लाना ही बेटा सबसे टफ काम है, ठीक है, चार्ज को आप रेस्ट पे ला ही नहीं सकते। एक सेकंड यार, कोई ज्वाइन करने का कोशिश कर रहा है, ज्वाइन हो क्यों नहीं? चलो हेलो, हाँ बेटा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, अच्छा आप ही कह रहा था क्या, पिंक, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो अभी तक हम लोग रेस्ट और न्यूट्रल के बारे में थोड़ा बहुत समझे, तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ बेटा, चार्ज कितने टाइप का हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अब ये सब आप पढ़ चुके हो, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका। चार्जेस बेसिकली होता है दो टाइप का, वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, नेगेटिव, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में मैं कौन सा चार्ज लिखूं, क्या लगता है? न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता, तो सर कुछ तो लिखते होंगे, सर लिखें कैसे सर? बेटा इसको लिखने का एकदम सिंपल सा तरीका है, N E U T R A L, ठीक है, आई थिंक याद रहेगा आपको, इसको न्यूट्रल लिखते हैं। यस सर, नहीं बोलेगा ना, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होता है बेटा, प्लस माइनस और न्यूट्रल तो हमने सीख लिया, लेकिन हर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखी है चार्ज की प्रॉपर्टी? यस सर। क्या क्या होती है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कोई बताएगा? जो सेम चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ओके वेरी गुड, चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। शाबाश शाबाश बेटा, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, वाह क्या बात है बेटा, शाबाश। चलो एक बच्ची ने एनसीईआरटी की पॉइंट बोली, बहुत अच्छा लगा बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चलो सुनो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस क्या करते हैं जल्दी जल्दी बताते चलो बेटा, व्हाट लाइक चार्ज, रिपेल करते हैं, वेरी गुड, यानी कि प्लस और प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल। आपका दोस्त कभी आपके बारे में अच्छा बोल सकता है क्या, सबसे खास दोस्त? नो सर, नो सर, ठीक है, बुरा बोल सकता है? हाँ सर, जुबान पे ही उसकी बुराई बसी है। अच्छा ये इसमें किसी को दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। सर आप सेक्टर 23 रोहिणी में आते हो ना? आता था बेटा, अब नहीं, अब बॉम्बे आ गया हूँ, ठीक है, आता था, ठीक, एसओएससी में। चलो अगला है बेटा, सपोज एक सिस्टम है मेरे पास, दिस इज द सिस्टम। सर सिस्टम मतलब वो सिस्टम नहीं बेटा, ये सिस्टम है सिंपल।
सिस्टम का मतलब होता है जिस भी एरिया में हम पढ़ाई करते हैं फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। सर अभी तो आपने बॉडीज बोला था, सिस्टम के अंदर बॉडी होती है। सर सिस्टम क्या है, जिस टेबल पे मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टम है। बॉडीज क्या है, ये मेरा जो है पीसी, वो पीसी तो नहीं है, लैप ही है, ठीक है, मैकिंटोश जो है ये मेरा हो गया बॉडी, ठीक, ये फोन जिसमें मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ ये हो गया बॉडी, लेकिन ये जिसके ऊपर रखा हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम, तुम, ठीक है। अब खुश मत हो, बिग बॉस को याद मत करो, वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, ये है हमारा सिस्टम बेटा। अब इस सिस्टम में मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करने गया, सपोज आई वेंट एक्सपेरिमेंट, और मैंने देखा कि इसमें चार्ज जो है ना बेटा, इसमें जो चार्ज है, सर मैंने अवंती की लास्ट टेस्ट में आपको स्कूल में देखा था, हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं था, ठीक है, उसके बाद आई केम टू बॉम्बे, ठीक, चलो। अब मैंने देखा कि सेकेंड पार्ट में जो है बेटा 30 कूलम्स ऑफ चार्ज है, फर्स्ट पार्ट में 60 कूलम्स ऑफ चार्ज है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आके मैंने फिर से मेजरमेंट ली बेटा, कितने टाइम बाद, मैं 3 घंटे बाद आया, और 3 घंटे बाद आके मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी बेटा कि अब जो वैल्यू थी ना, अब जो वैल्यू थी इसी सिस्टम की, वो क्या हो गई, सर अगर आइजक निकोला टेस्ला जेई का एग्जाम मनाते तो आईआईटी में कितने, बेटा फिर तो सारा सीट खाली रहता, हमको भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 30 कूलम भी चार्ज था, पर यहाँ पे मैंने देखा बेटा, यहाँ पे मैंने देखा कि 60 कूलम चार्ज अभी भी है, दैट मीन्स यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या चार्ज कंजर्व्ड रहे बेटा थ्रू आउट, कैन आई से दिस स्टेटमेंट, यस सर, यस सर। अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इन सिस्टम, इन अ सिस्टम चार्जेस रिमेन कंजर्व, ठीक है, ये आप सबने पढ़ रखा है एनसीईआरटी, यस सर। नाउ आई वांट टू आस्क व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम, सर व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम, अगर बेटा ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, यहां से मास का ट्रांसफर होने लगेगा बेटा बाहर की तरफ, यहां से एनर्जी का ट्रांसफर होने लगेगा, सोच के देखो, अगर आइसोलेटेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली होगा बेटा, एनर्जी जो है वो फ्लो होने लगेगी सिस्टम से। अच्छा इसका एग्जांपल दो, थर्मस देखा है सबने, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। थर्मस में हम चाय क्यों पीते हैं, क्योंकि सब हम थर्मस गर्म रहता है, चाय नहीं पी सकते, पी सकते हैं, डिपेंड करता है गरीबी अमीरी पे, ठीक है, और डिपेंड करता है आप किस हद तक चाय पीना चाहते हैं। इसी तरह बेटा, इसी तरह इन आइसोलेटेड सिस्टम, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ सो दैट जब आप नोट्स पढ़ो तो याद रहे, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में ही चार्ज कंजर्व रहता है, डू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर थिंग, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में ही चार्ज कंजर्व रहता है और किसी सिस्टम में चार्ज कंजर्व नहीं रहता, ये बात याद रखना, ठीक। अभी इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हमेशा सवाल आता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज Quantized. मैंने S लिखा, कोई Z लिखता है, मेरे को S बहुत पसंद है, charge is quantized, ठीक। चलो सुनो बेटा, इसको समझने के लिए there is a very basic example that, क्या सबने हेरा फेरी मूवी देखी है बेटा, हेरा फेरी, हाँ सर, यस सर, नहीं तो बताया चार्ज क्वांटाइज्ड है, सर हम वहां नहीं बताया सर, ये क्या फालतू का बात है सर, हेरा फेरी में कब से बताने लगा सर चार्ज क्वांटाइज्ड, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नहीं बेटा, हाँ बेटा, मतलब ऐसे ही जैसे कि चार्ज एक दूसरे से बंधा हुआ है, क्वांटाइज्ड है, एक बंडल में पैक है, हाँ वेरी गुड, आपका रीजन भी अच्छा था बेटा। नाउ मैं आपको उस सीन के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, सबको पिक्चर याद है ना, फ्रेम बाई फ्रेम, यस सर, भूल जाओगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भूल सकते हो, पिक्चर कैसे तुम भूल जाओगे, चलो ये थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने नहीं देखी है मूवी, मुझे कुछ समझ नहीं देखी बेटा, कोई बात नहीं, आप भी समझ जाओगे, लॉजिक बहुत अच्छा है। मान लो केला बिक रहा था, याद है बेटा, यहाँ पे एक केला बेचने वाला होता है, वो केला बेच रहा होता है, यस सर, ठीक है, यहाँ पे मैंने केला रख दिया, केला बेच रहा है, यहाँ से आए अपने बाबू भैया, बाबू भैया आते साथ पूछे केला दोगे, बोला हाँ, बोला कितने का होगा, तो बोला 60 रुपए, उसके पास पैसा नहीं था, उसने बोला बिना छिलके के बता, ठीक है, उसने भगा दिया, भगा दिया। नाउ यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, चार्ज को हमने छोटे टाइम पे पढ़ा है कि हम Q इज इक्वल टू एन ई ही लिख सकते हैं, राइट, हम
सर अगर हम बोले कि एक काम करो इलेक्ट्रॉन का छिलका उतार के बताओ कितना वेट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? एनी आइडिया? नहीं सर मेरे पता। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो Q is equal to Ne, where this Q is charge. This E के बारे में किसी को नहीं पता है तो जल्दी बताओ। This is fundamental amount of charge. Amount of charge याद रखना बेटा, fundamental amount of charge होता है E, right? N क्या होता है? Number number कोई भी। धप्पा खत्म। ठीक, अब सुनो इसका मतलब क्या है बेटा। छिलके के बिना किसी ने केला खरीदा है? अगर खरीदा है तो आप महान हो, आपका पेटीएम दो, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। कोई कंटिन्यूअली हंस रहा है बेटा। चलो देखो बेटा आगे चलते हैं। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है सर, ये थेले वाला कॉन्सेप्ट क्या है? थेले वाला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जैसे बिना छिलके के केले केले नहीं खरीद सकते आप। अगर आप दुकानदार से पूछोगे कि मेरे को बिना छिलके वाले केले दो, तो आपको बिल्कुल नहीं देगा खरीदने के लिए। इनफैक्ट आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि आधा केला दे दो। इन द सेम वे हम ये करते हैं, टू ई चार्ज पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूं 6/0.93, ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 7/8 ई ला के दे दो, आप ला सकते हो बेटा 7/8 टाइम्स ई? सोचो, कभी नहीं। नो सर। चार्ज हमको जब भी मिलेगा Q is equal to Ne के फॉर्म में मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है। किसी का माइक इको कर रहा है, कृपया माइक को बंद कर ले। चलो तो मेरा पहला सवाल, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। वेरी गुड। हमने बोला कि सर हमने चार्ज के बारे में पढ़ रखा है एंड इट इज 1.6 × 10⁻¹⁹. बहुत अच्छी बात है सर, ये तो सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता है। हाँ बेटा नहीं पूछा जाएगा, तो आप क्यों पूछे? चेक कर रहा था, जागे हो सोए। हाँ अगला सवाल बताओ, मार्क द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या लगता है? डी। चलो एक बच्ची ने डी बोला, और डी। चलो डी वाले सब के सब गलत हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेलिब्रेशन। सुनो, जब भी आपसे पूछा जाए ऐसे, तो हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चंस को चेक किया जाता है एक फॉर्मूले से, Q is equal to plus minus N. सर इससे कैसे चेक करेंगे? इट इज वेरी इजी बेटा। क्या ये E की वैल्यू होती है? हाँ सर ये तो E की वैल्यू होती है। अच्छा 4.8, अगर मैं आपसे पूछू 4.8, तो 4.8 कितना हो जाएगा? 16 × 3 = 48 होता है, याद है सबको? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ये 30 ई के बराबर नहीं लग रहा है किसी को? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सोच के देखो बेटा, 16 × 3 = 48। यस सर। समझ गए? इसमें डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? सेकंड पार्ट पे चले बेटा, 3.2 × 10⁻², ये कितना हो सकता है? सोचो। 6.2। कितना? 0.2 जो इनवैलिड होता है, ले नहीं सकता। 0.2, वेरी गुड बेटा, ये हो गया 2/10। क्या आप बिना छिलके के केले खरीद के ला सकते हो? नो सर। नॉट पॉसिबल। अच्छा डी वाला क्यों सही है? सर बिकॉज इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल। सर डबल है उसका। आप ध्यान रखना आपसे पूछा क्या जा रहा है, डी 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 तुरंत आंसर मत करना, थोड़ा सा टाइम लेना बेटा। अच्छा अब इसके साइड में भी मैं लिख देता हूँ, ये 2e के बराबर है, सो द राइट आंसर इज दिस। अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आगे चले बेटा सेकंड पार्ट। यस सर। अब ये सब तो ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर चार्ज लाए कहां से किसी बॉडी में? सर चार्ज कैसे लाए? हाँ बेटा बोल। सर चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही पाया जाएगा हमेशा? हमेशा भी पाया जाएगा जब तक आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हो। जब आप क्वांटम लेवल पे जाओगे तो इट इज नॉट ऑल्दो वैलिड, बट कुछ कुछ लॉ लगा के इसको वैलिड कर दिया जाता है। बट एक अभी कहते हैं कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स को हम तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन कोलाइडर में कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स को आप तोड़ चुके हो तो फिर तो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में कैसे होगा?
जब आप एलएचसी पढ़ते हो, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, राइट, जब आप इसको पढ़ते हो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर को, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली क्वांटम वेल में होता है, ठीक है? एक तो होता है क्वांटम वेल, इसमें इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका एक्सपेरिमेंट हम एक और जगह करते हैं, आई थिंक आपको पता नहीं है, यूएस के पास सिर्फ वो टेक्नोलॉजी है। आप देखना, यूएस का एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, हम जब वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो ये होता है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ता है बेटा, पार्टिकल लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब की वैल्यू नहीं होती है, ये इसके नीचे काम करता है, ये तोड़ता है बोजोन को, हिग बोजोन को, ठीक है, और ये तोड़ता है डब्ल्यू बोजोन को। ये इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है एट अ वेरी हाई फ्रेम। तो जब इन पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है तो दे आर नॉट टू अटैच विथ इलेक्ट्रॉन एट ऑल, ऑल्दो इसी के एलिमेंट्री पार्टिकल है, बट हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है? तो वो बहुत ही पार्टिकल लेवल पे होता है, उस लेवल पे क्यू इज इक्वल टू एनी का उतना कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले की इन्वेंशन रही है। ठीक, आगे चले या किसी और को कोई डाउट बेटा? हाँ बोलो बेटा। नहीं, जिस बच्चे को डाउट था क्लियर हो गया बेटा आपका डाउट, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर? ओके, आई थिंक क्लियर है। लार्ज हाइड्रोन जो होता है बेटा वो बहुत पार्टिकल लेवल पे काम करता है, उतने पार्टिकल लेवल पे चार्ज को आप क्वांटाइज करके बहुत ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हो, ठीक है? और टी नेगेटिव टी पॉजिटिव वो सब अलग चीज हो जाती है, इसलिए आप पढ़ते हो टेलीपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी सुनोगे आगे। चलो टॉपिक से नहीं भटकते हैं बेटा, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग? एलएचसी क्वार्क लेवल पर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वार्क पे ही होता है, क्वार्क से भी नीचे होता है सही बताऊं तो, ठीक है? हमारे वाला तो अभी बहुत पीछे है, अच्छा वाला तो यूएस, यूएस के पास है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, उसको ठीक, उन्होंने एक पूरा जगह बना रखा है जहां पे बड़ा सा एक ट्यूबवेल। चलो एनीवेज आगे चलते हैं बेटा। देखो अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर मुझे अपना फोन चार्ज करना है तो मैं अपना फोन कैसे चार्ज करूंगा, जल्दी बताओ। सर यूएसबी है, यूएसबी से सही, यूएसबी को लगा। चलो मैं मान लेता हूँ, तुम लोग का मन रखने के लिए बोल देता हूँ, सी पोर्ट से मैंने चार्ज कर दिया। सी पोर्ट, यूएसबी, लाइटनिंग, थंडर, सुपर वोक सब लगा दो। नाउ आई वांट टू जस्ट सिंपली आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि इस प्रोसेस में चार्जिंग कैसे हो रही है? सर स्विच ऑन करने से हो रही है, हाई वोल्टेज से लेकर वोल्टेज की तरफ चार्ज हो रही है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा मैं मान लेता हूँ, कुछ ना कुछ है जो चार्ज को जो है इस पॉइंट से बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक फ्लो कंप्लीट, वोल्टेज डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, जैसा भी आपको मानना है। मैं मान लेता हूं कि फोन में चार्ज ट्रेवल कर रहा है और बैटरी को चार्ज करते जा रहा है, दैट्स ठीक है, यहां तक बात सही रही। पर बेटा और क्या क्या तरीके हैं चार्ज करने के, तो मैं सिंपली आपको बताना चाहूंगा, एक होता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कोई जानता है इसके बारे में? यस सर, चार्जिंग, यस सर, अरे स्केल रगड़ के छोटा छोटा टुकड़ा को चिपकाते नहीं थे? यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, तो बिना मतलब का, अरे भूल गए क्या, मान लो एक कपड़ा ले लो। हाँ सर, इसमें भी फ्लो ऑफ चार्जेस ही होता है, जब हम एक दूसरे को फ्रिक्शन करते हैं हम दो बॉडीज को आपस में, और स्केल ले आओ, सॉरी इसको स्केल ले आओ, सिंपल पेपर का टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेगा, बस यही है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ये सब तो किए होगे, कुछ नहीं किए होगे? यस सर, यस सर किए हैं, हम मानते हैं ये तो किए ही होगे। और एक मेथड होता है, कोई और मेथड जानता है इसके बारे में? कंडक्शन, 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 यस सर कंडक्शन, सबसे जबरदस्त चीज है कंडक्शन। पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, मेथड ऑफ फ्रिक्शन में ही, कि मेरे पास एक बॉडी है एंड दिस बॉडी है पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है? क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी अर्थ पे तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लैब में भले बनाया जा सकता है। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का नेचर कैसा है बेटा? इज इट अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? How many of think it is a neutral? ये इसमें दोनों charges है ना? सुनो बेटा, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है? Seven
पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कौन ज्यादा हुआ? नेगेटिव चार्ज। चलो इस चीज को मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूं बेटा, देखो हमेशा याद रखना, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, कैसी बॉडी होगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अब दूसरा केस कर लेते हैं, इसी डायग्राम में समझा देता हूं, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज इक्वल के लिए क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल याद रहेगा बेटा, न्यूट्रल का कंडीशन याद रखना, Ne is equal to Np सबसे इंपॉर्टेंट है, Ne is equal to Np याद रहेगा। इसी चीज को आपने लीनियर इनइक्वालिटी बोल के पढ़ा है छोटे क्लासेस में, अगर आपको याद हो तो, ठीक। इसमें डाउट है बता दो बेटा। नो सर। नो सर। नो सर। बस एक चीज पूछनी थी। जी जी बेटा बोल। सर जैसे कि आपने कहा कि ये बॉडी है, इस पे दोनों चार्ज है इस वक्त, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट में एक बॉडी और लेकर आ जाते हैं जिसपे कोई भी चार्ज, हम नहीं बता सकते हैं कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, उस कॉन्सेप्ट में अभी आऊंगा बेटा, वो अभी थोड़ा सा आगे है, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा आपका डाउट, मैं समझ गया बता दूंगा, ठीक। चले आगे, यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को तो? यस सर। ठीक है, यस सर। अब एक जबरदस्त टॉपिक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? जो कि इजीली कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है तब चार्ज फ्लो करता है, तब चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई बेटा? देखो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ डिपॉजिट सर, डिपॉजिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय फ्रिक्शन, और सर बॉडी के सेम थ्रू अ वायर। वायर, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पहले बता देता हूँ, फिर जनरल टर्म में बात करेंगे। व्हेन वी कनेक्ट, जब भी हम कनेक्ट करेंगे टू कंडक्टर, कंडक्टर वर्ड का ध्यान रखना बेटा, बस वाला नहीं, कौन सा कंडक्टर है ये? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, वेरी गुड। देन चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अदर, कब तक? कब तक? अंटिल पोटेंशियल बिटवीन बोथ रिमेन सेम, बिटवीन बोथ रिमेन सेम, मतलब क्या है कि मेरे पास बेटा एक कंडक्टर है यहां पे, ठीक है, एक और कंडक्टर है। अब सस्ते एनिमेशन से समझो बेटा, धीरे धीरे ये पास आ गए, अब क्या होगा, अब दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी, दोनों कंडक्टर है, ऐसे एक वायर के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया, अब इसके चार्जेस यहां जाएंगे और यहां वाले चार्जेस यहां आएंगे, कब तक? जब तक दोनों में इक्वल चार्जेस ना हो जाए, या तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, अनटिल Q1 एंड Q2, जब तक सेम ना हो जाए तब तक दोनों में चार्ज फ्लो चलता रहेगा। ये बात समझ में आई बेटा? सिंपल सी बात है सर। ये सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। सर नेट चार्ज जीरो बोल सकते हैं या फिर इक्वल बोलेंगे? नेट चार्ज जीरो कुछ सिलेक्टेड केसेस में होता है, हम इक्वल बोल के ही काम चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास चार्ज की एक वैल्यू दैट इज नॉट जीरो, सो वी कैन नॉट से इन दिस पर्टिकुलर केस की नेट चार्ज जीरो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा क्यू की वैल्यू 1.6 के आसपास है। अब यहां से उठता है एक सवाल कि सर मेरे पास एक बॉडी है, लेट अस सपोज, एंड दिस बॉडी आई कैन से दिस एज, ये है आपकी, कौन सी ले लो, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, आप बताओ कौन सी ले लो बेटा? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। चलो मैं बोलता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज योर बॉडी ए एंड वन मोर बॉडी, सिमिलर बॉडी है बेटा, बॉडी बी, आपको बताना है जैसे ही मैं इस बॉडी बी को इसके पास लाने की कोशिश करूंगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बॉडी बी, मतलब बॉडी बी का नेचर कैसा है? जिस चार्ज से वो अट्रैक्ट हो जाएगा वही उसका अपोजिट नेचर होगा। चलो ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, क्या लगता है? ऑप्शन ए बी, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, वेरी गुड,
दिस इज योर ए ऑप्शन, दिस इज योर बी ऑप्शन, दिस इज योर सी ऑप्शन, डी जिसने टिक किया खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो तो लेट्स सी, सबने बोला सर कुछ ये होगा कुछ वो होगा, चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब देखता हूं मैं, ये है मेरा बॉडी ए, दिस इज माय बॉडी ए, सपोज दिस वाज नेगेटिवली चार्ज्ड जैसा कि हमने बोला, ठीक है, और थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज भी रख लेते हैं। अब जैसे इस वाले बॉडी को मैं इसके क्लोज लाऊंगा ना बेटा, ये बॉडी बी को, होगा क्या, इसके अंदर एक चेंज आएगा। मैं बताऊं क्या चेंज आएगा बेटा, देखो मान लेते हैं सारा नेगेटिवली चार्ज यहां आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज, तो इसके पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएंगे बेटा, सारे के सारे सर सरफेस पे, अब इसके पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएंगे और इसके नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएंगे, मैं मान लेता हूं यहां यहां से लेके, सॉरी ये पॉइंट से लेके बेटा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है ए, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है बी, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने कैसे बोल दिया बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये सिंपल कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं खुद बॉडी को लिया, आपको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, आप ये बोल ही नहीं सकते हो बेटा, आप ये बोल ही नहीं सकते हो पॉजिटिवली चार्ज। सर हम तो ये बोलेंगे ना कि जो बॉडी अपोजिट में हम लेकर आ रहे हैं एक्चुअली वो जिस चार्ज को उसके अपोजिट वाले चार्ज को जिसको अट्रैक्ट करेगी वो उससे चार्ज्ड है बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है बेटा, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। सर आप पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा न्यूट्रल बॉडी का, वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि डिस्टेंस भी एक मैटर प्ले करता है बेटा इसमें, क्या आप इस चीज को समझ पाए कि डिस्टेंस बहुत जरूरी है, ये वाला डिस्टेंस था ए और ये वाला डिस्टेंस था बी, तो अब ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये और ये चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे एक दूसरे, रिपेल करेंगे, वेरी गुड। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव को बोलेगा दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, और ये पॉजिटिव को क्या बोलेगा, दूर जाओ। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या बोलेगा, इधर आ जाओ भैया बहुत जगह है, ठीक है। दो मिनट, एक सेकंड या दो सेकंड लो, दो मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसको फिर से अपने दिमाग में रिवाइज करो। मैं बताता हूं कैसे, हमारे पास एक बॉडी थी बेटा, ठीक है, हम एक और बॉडी को ले आए उसके पास, हमको पता नहीं उसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है या फिर न्यूट्रल बॉडी, हमने तुक्का मारा पॉजिटिवली है जो गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि इस बॉडी के सारे नेगेटिव चार्ज हमने देखा यहां आ गए, इसके करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव चार्ज यहां आ गए। अब होगा क्या कि सर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को रेपल करने लगेगा इस तरफ, एट द सेम टाइम ये नेगेटिव चार्ज इसको रेपल करने लगेगा इस तरफ, और क्या होगा बेटा, और ये होगा सर कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा एंड दिस नेगेटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव, तो हम कंप्लीटली बोल ही नहीं सकते, लेकिन हमको इतना समझ में आया कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी एक रोल प्ले करता है बेटा, ये समझने में किसी को डाउट तो बताओ, नो सर, डिस्टेंस ऑल्सो प्लेज अ रोल, आई थिंक ये समझने में डाउट नहीं होगा कि डिस्टेंस भी एक रोल प्ले करता है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बेटा तो कोई फर्क पड़ता है क्या, सोच के देखो, नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ बैठे हो कोई सीपी पे बैठा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ना तुमको उसकी जिंदगी से ना उसको तुम्हारी जिंदगी से, इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक। इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ अभी तक जो मैंने बताया, नहीं तो हम आगे चले, आगे चले बेटा, यस सर, चलो, यस सर, सपोज ये बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, अरे ये क्या हो गया, ठीक है बुलडोजर चल गया, क्या क्या हो गया, चलो देखो देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे एक एंटीना, एंटीना जानते हो आप, हमारे टाइम में एंटीना होता था, तो क्या होता था कभी कभी हमारे टाइम में क्रिकेट मैच चलता था तो जनरली हमको थोड़ा सा दिक्कत होता था, बाकी टाइम चलता है कोई दिक्कत नहीं, शक्तिमान आता था तब भी दिक्कत होता था। अब सुनो, अब यहाँ पे लगा होता है एक अर्थिंग, अर्थिंग जानता है कोई, यस सर, क्या होता है, अपने घर के पीछे देखना, अब उसको हाथ से पकड़ने का कोशिश मत करना, बारिश हुआ है
दिल्ली में भी, मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि मेरे फोन में दिखा रहा था आज रेनी है वेदर। बारिश हुआ है क्या? थोड़ा बहुत। तो आपके घर के पीछे ऐसे तार हम फोल्ड करके रखते हैं, देखा है क्या आपने? अर्थ में ग्राउंड करके, हैव यू सीन दैट? नो सर, पीछे नहीं देखा है। अर्थिंग वायर देखा है सबने, कि घर के पीछे अर्थिंग की जाती है, कि जब बारिश आएगा तो और बिजली कड़केगा तो आपका सारा डिवाइस एक तरह दिखाई देगा आपको, मतलब वो चलना बंद हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज चार्ज बाय कंडक्शन। होता क्या है बेटा, कि अगर मान लो आसमान से बिजली कड़की, एक सेकंड, आसमान से बिजली कड़की तो बिजली का शेप कुछ ऐसा होता है, और पता नहीं ये शेप किसने लाया, बट ठीक है ऐसा ही कुछ शेप का बिजली होता है। अब क्या होगा कि ये सारा जो आपका बिजली है ना बेटा, ये जो आपका करंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर एक तार नीचे कनेक्ट होती है, अर्थ में ग्राउंडेड होती है, या जैसे कि यहाँ से एक तार बेटा अर्थ में ग्राउंडेड होती है, जो एक्सेस चार्ज होगा वो अर्थ में भेज देगी। आई थिंक आपने इस चीज को पढ़ा है। हाँ, अर्थिंग में पढ़ा था, जो भी एक्सेस चार्ज होता है उसको जो है ग्राउंड में भेज दिया जाता है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इंडक्शन। एक्सेस मतलब? हाँ बेटा, एक्सेस मतलब देखो, अब मेरी एक लिमिट है पानी पीने की, मान लो मैंने 5 लीटर की जगह 7 लीटर पानी पी लिया, ठीक है, तो होगा क्या, बॉडी में चेंजेस आएंगे, फूल जाएगा पेट, 100 से 200 किलो का हो जाऊंगा मैं। सो एक्सेस होता है कि आपके लिमिट से ज्यादा, जैसे रेंज और डोमेन पढ़ा था मैथ्स वालों ने। मान लो मैं बोल दूं कि रेंज जो है कॉस की रेंज 7.339 है, या साइन की रेंज e to the power x, ये कोई सेंस वाली बात हुई? नो सर, सेंस ही नहीं है भाई इसमें, ठीक है। चलो, अब ऊपर में हमने थोड़ा बहुत ये सीखा कि डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर फॉर अस। अब मैं थोड़ा सा और इस पे ध्यान देना चाहता हूं बेटा, कि क्या हुआ, मुझे ऑब्जर्वेशन करना था कि मान लो एक चार्ज को मैं यहां रख देता हूं, दिस इज क्यू, एक और चार्ज को यहां रख देता हूं, दिस इज अगेन, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, एंड आई कंसीडर दिस डिस्टेंस, ए ले लूं या आर ले लूं, जल्दी बताओ। आर ले लीजिए। आर, आपने बोला तो मैं आर ले लेता हूं। अब मैं कूलम तो हूं नहीं, मैं हूं नॉर्मल आदमी, मेरे को ये पता करना है बेटा, मैंने ये सीखा है छोटे क्लासेस में कि सपोज दो चीजें रखी है, राइट, एक पर्सन है और एक पर्सन है। अब नॉर्मल स्टेट में न्यूटन ने बोला है कि ये पर्सन ए जो है ये पर्सन बी पे एक फोर्स लगाएगा, और पर्सन बी जो है पर्सन ए पे एक फोर्स लगाएगा। आपने इस चीज को पढ़ा है क्या बेटा? यस सर, यस सर। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ थर्ड लॉ, थर्ड, राइट। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ये बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, क्या चार्जेस भी ऐसा कुछ करते हैं? मैं बस ये जानने में इंटरेस्टेड हूं, एंड माय इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड लाइक दैट, यार मुझे ये जानना है कि फर्स्ट वाला सेकंड पे कितना फोर्स लगाएगा और सेकंड वाला फर्स्ट। देयर इज नथिंग, मैं बोलूंगा कि चार्ज ऐसे ले सकता हूं बेटा दोनों का प्रोडक्ट, आपने पढ़ा है। अच्छा, डिस्टेंस को अभी हमने समझा, डिस्टेंस बढ़ाने से फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। यस सर, पड़ेगा। यस सर, इसको लिखते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये लिखते हैं। यस सर, जी सर, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग कुछ लगाने लायक होता नहीं है, इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, क्वेश्चन करें बेटा सीधा, एफ इज इक्वल टू के, अब वेक्टर फॉर्म में आ जाता है आर क्यूब। देखो पहला क्वेश्चन, थ्री चार्जेस ईच हैविंग प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब हमने तीन चार्ज लिया। वैसे आपने सब क्वेश्चन किया है 12th में, अगर आपको याद हो तो, थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, ये ट्राइंगल था, हाँ सर ट्राइंगल था, इसी ट्राइंगल को बेटा सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। हर बार करना है क्या सर? नहीं, अभी आप सीख रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार करके प्रैक्टिस करना। अब इस पॉइंट पे हमको करना है, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है बेटा अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो?
इक्विलैटरल, यहाँ पे एक वर्ड देखा आपने 60 डिग्री इक्विलैटरल, वेरी गुड, कितना कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, ठीक है, टोटल सम होता है 180, तो मैं बोलता हूँ ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अब इस डिस्टेंस को क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस भी ए हो गया, ये डिस्टेंस भी ए हो गया, और इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं, इस पॉइंट को सी एंड दिस पॉइंट को ए। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या बी वाला जो चार्ज है वो इस सी पे एक फोर्स लगा रहा होगा, सोच के देखो। Yes, sir. और सिमिलरली सी भी बी पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, हाँ सर डेफिनेटली लगा रहा होगा, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो फोर्स है बी सी पे लगाएगा वो इस दिशा में लगा रहा होगा। Yes, sir. और ये कहाँ पे लगा रहा होगा, ये यहाँ पे लगा रहा होगा, हाँ सर ठीक है। अब देखो सिमिलरली ए भी फोर्स लगा रहा होगा ऐसे अलोंग दिस, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूँ ए द्वारा लगाया गया फोर्स सी पे, चलेगा, या फिर चाहो तो ऐसे लिख देता हूँ, आई थिंक ये तो बहुत बेसिक है, आप ये जानते होंगे, एंड नहीं भी जानते तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, इसमें डाउट है तो बताओ किसी को, ये जो मैंने अभी चाइनीज में लिखा। नो सर, हर जगह क्यू चार्ज है और आप इस बात से रूबरू हो चुके हो। नो सर, ओके नो सर, चलो ठीक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सी ए, एफ सी सॉरी पहले एफ सी बी के बारे में बात कर लेते, इसकी वैल्यू कितनी होगी सोचो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के Q1 Q2 upon A square, yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो आप मुझे बताओ F C A की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। K Q1 Q2 by A square. K अच्छा एक काम करते हैं सिर्फ Q ले लेते हैं। Q square लिख सकते हैं। हाँ, Q square लिख देते हैं। बेकार का हाँ लंबा करेंगे ना टाइम वेस्ट होगा। यही आ रहा है। Yes or no सोच लो। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है बहुत अच्छी बात है बेटा ये आ रहा है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ा था कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, मान लो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस दोनों फोर्स को हम रिप्लेस करके एक ऐसा फोर्स ले आए जो इन दोनों फोर्स के बराबर फोर्स लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। वेरी वेरी गुड। अब देखो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता था जनरली, ए स्क्वायर अच्छा अब आप यहाँ पे देखो बेटा, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, बीच बीच, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके बनाता हूँ कि सपोज एक फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है और एक फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है बेटा, आपने पढ़ा था ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि इसका अपोजिट एंगल है। यस सर ये 60 डिग्री हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री। अब देखो बेटा यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी हो गई, रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताओ अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f, साथ में क्या आएगा जल्दी बताओ, पूरा सॉल्व कर लूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ रूट थ्री एफ सर, रूट थ्री एफ सिंपल सा बेटा अभी समझा देता हूँ, आप इस एफ स्क्वायर को जोड़ लो और इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 3f square, ठीक है। अब रूट से अगर मैं बाहर निकालूंगा एफ स्क्वायर को तो क्या बच जाएगा f, और रूट थ्री एज इट इज रह जाएगा, तो हम यहाँ पे हमें फोर्स कितना मिला बेटा रिजल्टेंट √3। अच्छा अब f की वैल्यू कहाँ से हम पुट करेंगे जल्दी बताओ, कहाँ से पुट करेंगे सर, k स्क्वायर बाय ठीक है, कितना आ गया विच इज रूट थ्री इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा ये सेंटर से पार होगा क्या बेटा रिजल्टेंट, यस सर ठीक है। आज से याद रखना बेटा रिजल्टेंट वो फोर्स होता है, हर वो फोर्स रिजल्टेंट होता है बेटा
जिस फोर्स जो फोर्स दोनों फोर्स को रिप्लेस करके इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक सर, ये चैप्टर कौन सा है? नहीं नहीं वेक्टर नहीं है बेटा, वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं। ठीक है, अब चलो अगला सवाल। इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैलकुलेट द नेट फोर्स एट कॉर्नर। किसी ने नेट फोर्स का भी क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें आप बताओ बेटा नेट फोर्स कितना होगा। मान लो इसको 120 डिग्री ले लेते हैं, वैसे ही कुछ दिख रहा है ये। लेट मी टेक दिस एज 120 डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हां कितना होगा बेटा? अरे सर ये सर फिर से आ गया। हाँ बेटा ये आते रहेगा, या तो आप इसको डरा दो या तो ये आपको डरा देगा। एफ होगा सर। कितना होगा? एफ। एफ पक्का? सोच लो। यस सर। सुनो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है सर, ऐसा कर लीजिए F is equal to K Q square upon A square लगा दीजिए, क्योंकि सब कुछ तो सेम है सर। ये 120 है सर, और 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो क्या ये सही होगा बेटा? क्या सही होगा? ये सही होगा? कितने लोगों को लगता है सही है? यस और नो, जल्दी रेज हैंड करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर माइनस भी तो आएगा। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ये लो माइनस ले लिया मैंने। ठीक है अब सही है ये? नो सर नो सर नो सर। सुनो बेटा, एक फोर्स इस चार्ज को बोल रहा है भैया यहाँ चलो, एक फोर्स इस चार्ज को बोल रहा है चाचा यहाँ चलो। चार्ज बोलेगा हटो, हम यहाँ जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एक फोर्स क्या बोल रहा है चार्ज को? हमरे साथ चलो। एक फोर्स क्या बोल रहा है चार्ज को? हमरे साथ चलो। चार्ज बोलेगा किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम चलेंगे रिजल्टेंट की दिशा। यस और नो, जल्दी बता दो बेटा। यस सर। यस सर। अब चार्ज को लेके चलेंगे तो क्या आएगा एफ रिजल्टेंट की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ रिजल्टेंट? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा जल्दी बताओ? कॉस 20 डिग्री। कॉस 20 या 120? 120। कॉस 120 कितना होता है? -1/2। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ? सर f आएगा। पक्का? यस सर। सोच लो। अरे यार चलो, रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा? अंडर रूट किसके बराबर? f स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट f। ठीक है, और अब f की वैल्यू कितनी है? k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सर सही तो था, आपने गलत क्यों बोला? बेटा इसलिए बोला क्योंकि जरूरी नहीं है हर केस में सही बैठ जाए, एंगल अलग होता तो अब तो फंस जाते ना, इसलिए बोला। पहले चेक कर लेना। ठीक है पहले चेक कर लेना। जैसे एक और क्वेश्चन करेंगे अब, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एट कॉर्नर सी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा क्या करें सर, तो कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ ऐसा सीन याद आ रहा होगा। आई थिंक याद आया किसी को कोई सीन? हाँ सर। कैसा सीन याद आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? ऐसे ही कुछ याद आ रहा है? इफ यू कैन यस कि आ गया फिर से ये। ठीक है कोई बात नहीं, कम ज्यादा जो ही सही, दुख सुख जो ही सही। अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक, ये सीन आपको याद आ रहा होगा, हमें बहुत खेद है इसके लिए। ठीक, थोड़ा जल्दी करिए बेटा। चलो एक मिनट है इसके लिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो अच्छा हाँ, इसका डिस्टेंस ए है बेटा, ध्यान रखना। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज ए, वही क्वेश्चन है यार, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें भी तीनों कॉर्नर्स पे है? तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखा है मैंने, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो बेटा ट्राई करो करने। ठीक है, अब
इस चीज को बोलते हैं जब भी ये क्वेश्चन आएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट. क्या हम इसको मिड पॉइंट बोल सकते हैं बेटा? कैन वी कॉल दिस एज मिड पॉइंट? यस सर, डेफिनेटली. हमने बाइसेक्टर मिड पॉइंट जैसा कुछ पढ़ा था क्या? इसी चीज को आपने छोटे क्लास में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल होता है और यहाँ पे बाइसेक्टर होते हैं, एंड मिड पॉइंट थ्योरम जैसा कुछ पढ़ा था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है. टेंशन बहुत है मालिक, भूल गए होंगे. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बाय टू. ये डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा? एक ए बाय टू. अच्छा, अब सुनो बहुत ध्यान से बेटा. अगर मैं बोलता हूँ टोटल एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60 का आधा कितना होगा? 30 डिग्री. तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 30. वेरी गुड. आप आई थिंक थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से जानते हो, अच्छे लेवल पे. ठीक, अब ये 30 हो गया, तो बहुत ध्यान से बताना ये एंगल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? 60 डिग्री. 60, कैसे 60 होगा बेटा? वेरी गुड. कैसे सर? ये 90 होगा ना, ये ऐसे जो परपेंडिकुलर है. ओके ओके, आई थिंक आप समझ गए. आप देखो ये 60 कैसे होगा, और कोई बता सकता है? नहीं सर, इधर भी एक साइड 30 डिग्री हो जाएगा, एक साइड 90 डिग्री. ये तो ऑटोमेटिकली 30 था ही. देखो ध्यान से, ये टोटल जो था ये 60 था, दिस वाज 60. ठीक है, अब इसका आधा सर ये हो गया 30, ये हो गया 90. 180 पूरा करने के लिए कितना बचा? 60 बचा. 60. Now my simple question to you is, ये height कितनी है? What is this height? इसकी value कैसे निकालेंगे? सोचो. Sir, 30 degree. कितना? 10-30 degree लगाएंगे. 10-30? हाँ sir, 10. एक बार सोचो, 10-30 लगेगा, 10-60 लगेगा. C पे निकालना है बेटा. कितना लगेगा? जल्दी सोचो बेटा. सो 10-30 लगेगा. 10-30. अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, कुछ लोग 10-60 से निकालो, कुछ लोग 10-30 से निकालो. ठीक है सर, a by 2√3 आ रहा है. कैसे आया बेटा a by 2√3? सर 10-30 is equal to p by b. ओके चलो, बच्ची ने बहुत सही जवाब दिया. 10-30 is equal to How much बेटा? Perpendicular upon base. तो perpendicular कितना हो गया? और base कितना हो गया? यही? सर गलत है. सर perpendicular तो हमें find करना है ना? सर x मान लो. पाई बाय टू नीचे आएगा.
हाँ बच्चों शायद पावर कट हो गया सर की, सर डिसजॉइंट हो गए, तो आप लोग लीव कर जाओ ठीक है, 7 PM पे केमिस्ट्री की क्लास होगी, इसको ज्वाइन कर लो। ओके सर। ओके सर। ओके सर।